children, take out your sunshine book and open page number 87. Today we are going to learn I sound words. कौन से words करने वाले हैं हम लोग? I sound. Okay? Look, dress and read. हमें यहाँ पर क्या करना है? देखना है, dressing करना है और read करना है, मतलब पढ़ना है. I and in, ये पेज पर सारे I sound words है. चलो देखेंगे कौन से words है. सबसे पहले है P-I-N, pin. P-I-N, pin. ये हमें dress भी करना है, तो साथ में हम लोग dressing करेंगे. डॉट किया है, वहाँ से लिखना शुरू करेंगे. P I N pin. सेकेंड वर्ड है B I N bin. B I N bin. आप पढ़ोगे क्या है ये? T I N teen. T I N teen. तो यहाँ पर हमने देखे P I N peen, B I N bean, T I N teen. अभी हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट रो की ओर. I T eat. I T eat. P I T eat. P I T pit. L I T lit. T lit. F I T fit. F I T fit. Now move to our next row. यहाँ पर क्या है? I G ig. Okay. First word कौन सा है ये? F I G fig. F I G fig. Now next word J I G jig. J I G jig. J I G jig. अभी next word देखते हैं. B I G big. क्या होता है? B I G big. B I G big. F I G big. J I G jig. B I G big. अभी हम देखेंगे I am वाले words. I am im. First word कौन सा है यहाँ पर? D I am dim. D I am dim. Next word है H I am him. H I am him. R I am rim. R I am
रीम, डी आई एम डीम, एच आई एम हीम, आर आई एम रीम। नाउ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है ये? आई पी इप, आई पी इप, पी आई पी पीप। फर्स्ट लेटर कौन सा है? पी आई पी पीप। नाउ अवर नेक्स्ट वर्ड, टी आई पी टिप, टी आई पी टिप, टी आई पी टिप। एल आई पी लिप, एल आई पी लिप, एल आई पी लिप। चलो देखेंगे एक बार, पी आई पी पीप, टी आई पी टीप, एल आई पी लिप। नाउ अवर नेक्स्ट रो, आई डी इड, आई डी इड, एल आई डी लीड। कौन सा वर्ड है फर्स्ट? एल आई डी लीड। नेक्स्ट वर्ड इज के आई डी, क्या होगा बच्चों? यस करेक्ट, कीड, के आई डी कीड, के आई डी किड, बी आई डी बीड, बी आई डी बीड, बी आई डी बीड। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट रो, क्या है यहाँ पर? आई जी, आई जी क्या होगा? इग, क्या होगा? इग। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? डी आई जी डीग, डी आई जी डीग, डब्ल्यू आई जी वीग, डब्ल्यू आई जी वीग, डी आई जी डीग, डब्ल्यू आई जी वीग। तो ये क्या होगा? एफ आई जी फीग, करेक्ट, एफ आई जी फीग। चलो फिर से एक बार देखें, डी आई जी डीग, डब्ल्यू आई जी वीग, एफ आई जी फीग। आगे देखते हैं कौन सा वर्ड है, आई एक्स इक्स, क्या होगा? आई एक्स इक्स। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? एफ आई एक्स, क्या होगा बच्चों? यस फिक्स। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? एफ आई एक्स फिक्स। सेकेंड वर्ड इज एम आई एक्स मिक्स, एम आई एक्स मिक्स। तो ये
क्या होगा? एस आई एक्स क्या होगा? करेक्ट, सिक्स, एस आई एक्स सिक्स। तो यहाँ पर हमने देखे बच्चों आई साउंड वर्ड्स। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पी आई एन पीन, बी आई एन बीन, टी आई एन टीन, पी आई टी पिट, एल आई टी लिट, एफ आई टी फिट, एफ आई जी फिग, जे आई जी जिग, बी आई जी बिग, डी आई एम डीम, एच आई एम हीम, आर आई एम रेम, पी आई पी पिप, टी आई पी टिप, एल आई पी लिप, एल आई डी लीड, के आई डी किड, बी आई डी बीड, डी आई जी डिग, डब्ल्यू आई जी विग, एफ आई जी फिग, एफ आई एक्स फिक्स, एम आई एक्स मिक्स, एस आई एक्स सिक्स। बच्चों यहाँ पर हमने देखे आई साउंड वर्ड्स। यहाँ पर आपको क्या करना है? ट्रेसिंग करना है एंड रीड करना है। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है, ट्रेस करना है, मतलब आपको यहाँ पर ये लिखना है। एंड चिल्ड्रन यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज। अभी हम कलरिंग करने वाले हैं, सो रेडी विथ योर हेलो कलर बुक। सो एवरीबडी रेडी विथ योर हेलो कलर्स। नाउ ओपन पेज नंबर 1313। कौन सा पेज खोलेंगे हम? 1313। हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपके साथ आपकी हेलो कलर बुक में पेज नंबर 1313 पे एयर बलून में कलर करने वाले हैं। तो इसमें पहले ऊपर क्या लिखा है हम देखते हैं। देयर आर टू एयर बलून्स बट वन इज नॉट कम्प्लीटेड। सो हमको एक कम्प्लीट करना है और ये कम्प्लीट है, इसको हम कलर करेंगे क्रेयॉन कलर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कलर करना और साथ साथ हम एयर बलून के बारे में कुछ बातें करेंगे। एयर बलून जो है वो एक एयर व्हीकल है जो जिसमें बैठकर लोग हवा में उड़ते हैं और सफ़र करते हैं। ये एयर डायरेक्शन के हिसाब से चलता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। एयर का जो डायरेक्शन होगा ये वो डायरेक्शन में चलता है। और इसको ऊपर जाने के लिए इसको लाइट करना पड़ता है। लाइट करना पड़ता है मतलब इसके अंदर नीचे आग जलानी पड़ती है और वो अंदर की उसकी जो एयर है वो गर्म हो जाती है और वो हल्की हो जाती है, उससे एयर बलून ऊपर जाने लगता है। और ये जो प्लेस है यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, एक्चुअली बैठने की जगह नहीं होती है, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर एयर जो आग है वो जलाई जाती है इस पोर्शन में, और जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाती है उसके अंदर की एयर वो ऊपर जाने लगता है। और जब उसको नीचे लाना हो तो उसका जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा जो आग है वो धीमी हो जाएगी और उसके अंदर की हवा गर्म से वापस ठंडी होने लगेगी तो वो बैलून नीचे उतरना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये हमने डार्क ग्रीन कलर, आप इसको और डार्क भी कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे आप डार्क कलर भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने डार्क ग्रीन कलर किया है, आप नीटली करिए, एक ही डायरेक्शन में करिए, ऐसे ऐसे मत करिए तो आपका सुंदर नहीं बनेगा। सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में कलर कीजिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कलर कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर यहाँ पर ब्राउन कलर करने वाले हैं, थोड़ा रेडिश ब्राउन है, आपके पास जो कलर हो आप वो कर लीजिए, मैरून ब्राउन जो भी हो आप कर लीजिए। ये हम यहाँ पर ब्राउन कलर कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में करेंगे, गोल गोल नहीं घुमाएंगे और साइड्स में
पहले ऐसे बॉर्डर्स करेंगे तो हमारा कलर बाहर नहीं निकलेगा, राइट। तो ये जो एयर बलून है इसमें घूमने में बहुत मज़ा आती है और ये बहुत सारे हिल स्टेशंस पर और ग्राउंड्स में इसका शोज़ भी होते हैं और इसमें हम राइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लीजिए इसमें राइड, कभी आपको मौका मिले तो आपको बहुत मज़ा आएगी। तो ये हमारा एयर बलून का ब्राउन कलर हो गया है, ठीक। अब हम करते हैं बीच के सर्कल्स में कलर। ये छोटा वाला सर्कल ऑरेंज है, क्रेयॉन कलर कीजिए, उससे आपको इजी होगा करना। पेंसिल कलर भी कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेयॉन कलर ना हो तो। ये हमारा ऑरेंज कलर हो गया। अभी यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर है, ये देखिए, ये हमने लाइट ग्रीन कलर कर दिया, ओके। अब येलो करते हैं। ये सब हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल हाफ सर्कल हाफ सर्कल, तो इसमें हम येलो कर रहे हैं। ये हमारा येलो कंप्लीट हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं हम ताकि सुंदर लगे, ओके। अब हम इसके नीचे की जो बास्केट है उसमें करेंगे, ब्राउन का ही शेड है, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन आप कर सकते हैं। ये हमारा ब्राउन शेड हो रहा है नीचे बास्केट में, जिसमें लोग खड़े होते हैं और इसमें वेट का लिमिट होता है कि भाई 3-4 लोग ही खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें 10-15 लोग एक साथ खड़े हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन बलून का साइज़ कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इसमें कितने लोग खड़े हो सकते हैं, ओके। तो ये हमारा बलून कंप्लीट हो रहा है, ओके। ये देखिए, ये हमारा बलून कंप्लीट हो गया है। हाँ, इसमें बीच में कुछ लोग हम खड़े कर देते हैं, यहाँ पर आप कोई 2-3 लोग खड़े कर सकते हैं, ऐसे करके आइस बना दीजिए, ठीक है। तो इससे हमारा एयर बलून एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो गया है, ठीक। चलिए, ओके चिल्ड्रन, बाय। थैंक यू चिल्ड्रन।